फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह और आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ और बहुत ही भारी वीडियो है, मतलब आप देख लेना फास्ट में। फुल फिटिंग गाड़ी पल्सर 150 है और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह गाड़ी पूरा खोल के रख दिया है। सो 1 2 3, आपके पास ओल्ड पल्सर है, हैंडल देखिए इस तरह का है, मतलब ऐसा वाला ओल्ड वाला हैंडल पल्सर का। तो इसमें इस वीडियो में आपको एक फायदा होएगा कि हम अभी ये वन पीस हैंडल है ओल्ड पल्सर का और हम इसमें लगाने वाले हैं टू पीस हैंडल, ये देखिए जिसका सामान यहाँ पे है। आपको ये फायदा होएगा कि आप देख सकते हैं वन पीस हैंडल में टू पीस हैंडल किस तरह इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो देखिए ये सब आपको अलग से लेना पड़ेगा, पूरा सेट लेना पड़ेगा। ये हो गया। तो टू पीस हैंडल लगाने के लिए ओल्ड पल्सर में देखिए ये पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए ये लेना पड़ेगा। कौन सेट बैठा है? ओके। और आपको ये टी भी लेना पड़ेगा, मतलब को दिख रहा होगा कि क्या लेना है आपको, वो सब लेना है। तो वन पीस का हैंडल टू पीस आप बना सकते हैं नया वाला पल्सर। तो काम की शुरुआत हो रही है और मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ वीडियो कैसा होने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओल्ड वन पीस वाला हैंडल है और टू पीस वाला हैंडल है। तो ये ओल्ड पल्सर थी, इसमें पहले वन पीस वाला हैंडल था और अभी हमने इसमें टू पीस वाला हैंडल लगाया है। तो चलो इसको साइड कर देते हैं। तो वो साइड में गया, सुबह आए और हमने एक नया लुक दिया ओल्ड पल्सर को। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ बदलने के लिए आपको बस टू पीस हैंडल और टी प्लेट और टी लेना है और बाकी जो शॉक ऑप्शन पुराना वाला लगा सकते हैं आराम से, और अपना हैंडल और हेडलाइट लगा देना है और आपकी गाड़ी का लुक चेंज हो जाएगा एकदम से। तो कुछ इस तरह लगेगी आपकी बाइक। देख रहे हेडलाइट, तो हेडलाइट भी लग जाएगा, लेकिन डिजिटल ओल्ड वाले में डिजिटल आया नहीं था। अगर डिजिटल है तो फिर बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट वायर लगाना है आपको। अगर डिजिटल नहीं है तो फिर थोड़ा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा आपको बस। तो ओल्ड पल्सर में टू पीस वाले हैंडल आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए